बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुंजन गुप्ता ने कहा है कि खेल से हमारा सर्वांगीण विकास होता है। इससे हमें अनुशासन और लक्ष्य के प्रति एकाग्र होने की सीख मिलती है। श्री गुप्ता ने ये उद्गार बालको प्रबंधन के सहयोग से इंटक द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन कर व्यक्त किए। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग का खिताब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे बिलासपुर ने जीता। महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में कोरबा की टीम विजयी रही। बालकोनगर के डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम में आयोजित 9वीं अंतर जिला स्तरीय महिला पुरुष कबड्डी प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुंजन गुप्ता थे। बालको के संयंत्र एक और मानव संसाधन प्रमुख शरद गोयल के अलावा अनेक बालको अधिकारी, छत्तीसगढ़ राज्य कबड्डी संघ और कोरबा जिला कबड्डी संघ के पदाधिकारी विशेष अतिथियों के तौर पर मौजूद थे। उनका स्वागत पुष्प गुच्छ से किया गया। राज्य भर के 18 जिलों से आए महिला और पुरुष खिलाड़ियों ने मार्च पास्ट कर अतिथियों का अभिवादन किया। बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुप्ता एवं अन्य अतिथियों ने पूजा कर कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री गुप्ता ने खिलाड़ियों को खेल भावना की शपथ दिलाकर कार्यक्रम के उद्घाटन की घोषणा की। प्रतिज्ञा करते हैं कि भारत एल्युमिनियम मजदूर संघ इंटर एवं जिला कबड्डी संघ कोरबा द्वारा आयोजित एवं भारत एल्युमिनियम कंपनी द्वारा प्रायोजित नवी अंतर जिला राज्य स्तरीय सीनियर कबड्डी चैंपियनशिप 2008-2009 में सच्ची खेल भावना एवं खेल नियमों का पालन करते हुए अनुशासन के साथ इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। नवी अंतर जिला राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2008-2009 के उद्घाटन की घोषणा करता हूँ। श्री गुप्ता ने राज्य एवं जिला कबड्डी संघ के पदाधिकारियों को भी अनुशासन और खेल भावना की शपथ दिलाई। इस मौके पर बालको के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री गुंजन गुप्ता ने कहा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां के युवा निरंतर कामयाबी की ओर बढ़ने की चेष्टा करते हैं। इसी भावना से देश प्रगति की ओर अग्रसर होता है। खेल वैसे भी एक ऐसा कार्य है जो न केवल हमारा विकास करता है, हमें एक अनुशासन के साथ जिंदगी गुजर बसर करने, अपने ध्येय अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर कटिबद्धता रखने और आगे बढ़ने, तीव्रता से प्रगति की ओर, लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो आप जो सब खिलाड़ी गण यहाँ आए हैं वो निश्चय ही आगे चलकर इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे, ऐसे नागरिक बनेंगे जो अपने सकारात्मक कार्यों के द्वारा अपने क्षेत्र का, अपने देश का, अपने माता पिता का, सबका नाम रोशन करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य कबड्डी संघ के महासचिव श्री राम विशाल साहू ने कहा कि बालको प्रबंधन और इंटक की ओर से खिलाड़ियों के भोजन और आवास की बेहतरीन व्यवस्था की गई है। उन्होंने आयोजन के लिए बालको प्रबंधन और इंटक की सराहना की। अतिथि मंडल का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और बालको प्रबंधन और कोरबा जिला कबड्डी संघ के समस्त पदाधिकारी मैं साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि बहुत ही कम समय में और बरसात के मौसम में भी अत्यंत सुंदर व्यवस्था आप मन प्रतियोगिता के स्थल के खिलाड़ी मन के पहले के आवास के भोजन के सब बहुत सुंदर व्यवस्था आप मन सब करे। श्री गुप्ता और श्री गोयल ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। श्री गोयल ने टॉस कर स्पर्धा की शुरुआत की। उद्घाटन मैच कोरिया और बस्तर की महिला टीमों के बीच में खेला जा रहा है। उद्घाटन मैच महिला वर्ग के अंतर्गत कोरिया और बस्तर जिले के बीच खेला गया।
महिला खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट खेल से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। बस्तर ने यह मैच 21 के मुकाबले 22 अंकों से जीता। दूसरा मैच राजनांदगांव और रायपुर के बीच हुआ, जिसमें राजनांदगांव की टीम ने 47-30 के अंतर से मुकाबला जीता। स्पर्धा में राज्य भर के 18 जिलों से पुरुषों की 26 और महिला वर्ग में 14 टीमों ने भाग लिया। कबड्डी स्पर्धा के पुरुष वर्ग का खिताब साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे SECR बिलासपुर ने जीता। उसने कोरबा को 34-18 से हराया। महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला कोरबा और रायपुर के बीच हुआ, जिसमें कोरबा की टीम 43-6 से विजयी रही। चौबीस अगस्त को आयोजित समापन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बालको के कर्मचारी संबंध प्रमुख श्री के आर नायर ने उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन के लिए विजयी टीमों और प्रतिभागियों की सराहना की। खेल बहुत अच्छा खेल रहा, बहुत आनंद का आज का दोनों खेल देख के। मैं इस अवसर पर आपको सबको बधाई कर दूँगा और वाशिंगवासी जाने का हमको मिला है और फिर आपको। बालको इंटक के महासचिव श्री वी के शर्मा ने 18 जिलों से आए खिलाड़ियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि इंटक लगभग 4 वर्षों से स्पर्धा आयोजित कर रहा है। इसका उद्देश्य कबड्डी से जुड़ी प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है, ताकि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें पहचान मिल सके। उन्होंने कहा कि खेल में हार अथवा जीत के बजाय खेल भावना के साथ भागीदारी करना महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने आपसे 3 साल पहले आश्वासन हमने आपको दिया था कि हम कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष यहाँ राज्य स्तरीय आयोजन करेंगे, और जब ऐसा लगे कि हम इसमें मैच्योर हो चुके हैं और तो राज्य स्तर भी कराने का प्रयास करेंगे। श्री नायर, श्री शर्मा सहित अन्य अतिथियों ने महिला और पुरुष वर्ग की विजेता टीमों को ट्रॉफियां प्रदान की। स्थान प्राप्त किया। हर वर्ष फाइनल खेलने का इनको भी SECR बिलासपुर के सतीश यादव और कोरबा टीम की सुभाषनी नायडू को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला। 40 रेफरियों और सभी टीमों के 504 खिलाड़ियों को टी शर्ट दिए गए। अतिथियों और आयोजन समिति के सदस्यों को स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। बालको प्रबंधन को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने पिछले 4 वर्ष से कबड्डी को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं।